क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग का? बढ़िया। सो फाइनल भाई जयेश भाई जोरदार का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने निकल के आ गया है। साथ साथ रॉकी बाबा की केजीएफ चैप्टर 2 के पांचवे वीक के पहले डे पे कितना कलेक्शन किया है, इस पे भी तुम्हारा भाई नजर डालेगा और दोनों को कंपेयर करेगा कौन किस पे भारी है। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहना, मींस इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। अभी तक जो भी वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है। मैन सो बैक टू पॉइंट आते हैं। सबसे पहले जयेश भाई जोरदार पे, फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई अपना केजीएफ चैप्टर 2 का कल के दिन पे मींस फ्राइडे के दिन पे क्या कलेक्शन रहा। यहां जयेश भाई जोरदार पे नजर डालने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज याद दिला दूं। मैं जब थर्सडे की रात को जब भी इसका प्रोडक्शन वीडियो बना रहा था ना कि फ्राइडे के दिन पे कितना कलेक्शन ये फिल्म कर सकती है, उस टाइम मेरे पास जो रिपोर्ट आया था ना भाई, बहुत लोग बोल रहे थे भाई जयेश भाई जोरदार की एडवांस बुकिंग ही हुई है 2 से 3 करोड़ का। अगर तुम लोग वो वाले वीडियो को देखोगे उस वीडियो में मैं क्लियरली बोला हूँ जो ये 2 से 3 करोड़ की जो एडवांस बुकिंग ये लोग बता रहे हैं जयेश भाई जोरदार का हुआ है, ये एडवांस बुकिंग टोटली फॉल्स एडवांस बुकिंग है। अगर यहाँ जयेश भाई जोरदार की 2 से 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई होती तो ये फिल्म फ्राइडे के दिन पे 6 से 7 करोड़ रुपए इजिली कमा लेता। अभी जो कलेक्शन मैं तुम लोग को बताऊंगा ना भाई, ये कलेक्शन जान के तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे यार। तुम लोग बोलोगे सच में मैन अभी बॉलीवुड ना अपने बहुत ही बुरे फेस से गुजर रहा है, क्योंकि भाई जितने भी स्टार आ रहे हैं बॉलीवुड के जो खुद को बड़ा स्टार बोलते हैं, वो लोग की सारी फिल्में भाई बॉक्स ऑफिस पे आंधी मुंह गिर रही है। चाहे टाइगर श्रॉफ हो जाए तो, या फिर अपना अक्षय बाजी हो जाए तो, या फिर अपने अजय देवगन बाजी हो जाए तो, बोलो जुबा केसरी ये करते रहेगा, लेकिन फिर भी रनवे 24 बॉक्स ऑफिस पर पिट गया यार। एंड देन रणवीर सिंह हो गया, तो रणवीर सिंह की मेरे को लगता है बैक टू बैक भाई दूसरी फ्लॉप फिल्म होने वाली है। इससे पहले 83 एकदम महा डिजास्टर बन के गया हुआ था, एंड देन ये फिल्म जयेश भाई जोरदार का भी हालत अभी भाई बहुत ही खस्ता नजर आ रहा है। ये फिल्म अपने पहले दिन पे 3 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है, अंदर से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है 2.95 करोड़ का भाई ये फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन बताया जा रहा है। भाई रणवीर सिंह का स्टारडम और कलेक्शन देखो मैन, कितना मतलब जमीन आसमान का भाई डिफरेंस दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सच को तो यार ये कलेक्शन देख के मैं भी कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था यार, क्योंकि जब भी मैं फिल्म को देखने गया था उस थिएटर में मेरे साथ 8-10 लोगों ने ही भाई इस फिल्म को देख रहे थे यार। सोचो ये हालत हो रखा है, ये वही रणवीर सिंह है जब भी बाजीराव मस्तानी आया था भाई लोग लाइन लगा दिए थे, टूट पड़े थे भाई इस फिल्म को देखने के लिए। बट अभी देखो भाई 83 के साथ क्या हुआ, वही चीज भाई जयेश भाई जोरदार के साथ भी हो रहा है। होप सो मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ आज के दिन पे भाई पब्लिक इस फिल्म को देखने जाए, इनफैक्ट कल भी इस फिल्म को देखने जाए, कम से कम ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर ले। यहाँ रणवीर सिंह को लेकर थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है यार, क्योंकि ये भाई अपना टैलेंटेड है, नो डाउट, इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं। बट देखते हैं आने वाला टाइम है रणवीर सिंह का क्या बड़ा धमाका होता है, इंतजार रहेगा हम सबको यार। सो बात करते हैं ये फिल्म का आज का ऑक्यूपेंसी क्या निकल के आ रहा है। आज का भी ऑक्यूपेंसी भाई बहुत ही खस्ता नजर आ रहा है, 12 से 14% के बीच में भाई आज मॉर्निंग से स्टार्ट लिया है। आफ्टरनून की बात करें आफ्टरनून का भी भाई ढीला ढाला ऑक्यूपेंसी है 15 से 20% के आसपास बताई जा रही है, इवनिंग की भी वही 20-22% की ऑक्यूपेंसी बताई जा रही है, नाइट का तो भाई एकदम नील बटे सन्नाटा है, नाइट में तो भाई मेरे को लगता है 5-6% की ऑक्यूपेंसी निकल के आ रही है यार। बट होप सो पब्लिक जाए थिएटर में, वहां से जाके भाई टिकट कटा के देखे इस फिल्म को। सो बात करते हैं अपना केजीएफ चैप्टर 2 का क्या सीन है, मींस केजीएफ ने अपने पांचवें वीक के पहले दिन पे कितना कलेक्शन किया, मींस कल के दिन पे हिंदी फिल्म से कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ केजीएफ सच में टोटली सबको सरप्राइज कर दिया यार। और एक चीज और मैं तुमको बता दूं, जयेश भाई जोरदार को 3500 स्क्रीन पे भाई रिलीज किया गया है, 3500 स्क्रीन पे ये फिल्म आई है और मात्र 3 करोड़ के आसपास भाई कलेक्शन करके जा रही है। वही बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 ने कल कितना कलेक्शन किया हुआ था, तो यहाँ उससे पहले मैं तुम लोग अगर स्क्रीन्स की बात करूँ यार, केजीएफ चैप्टर 2 के पास ज्यादा भी स्क्रीन्स नहीं है, मेरे को लगता है कि 700 से 800 स्क्रीन्स मैक्स टू मैक्स होंगे भाई। बट फिर भी ये फिल्म अपने पांचवे वीक के पहले डे पे 1.40 करोड़ का कलेक्शन करके जाता है, ये बहुत बड़ा कलेक्शन है मैन। सामने देखो भाई, सामने बॉलीवुड की भाई नई फिल्म है, इस फिल्म का नाम है जयेश भाई जोरदार, और यहाँ केजीएफ की पांचवी वीक चल रही है, दोनों का कलेक्शन में देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मैन। ये 3 करोड़ के आसपास कलेक्शन करता है, ये भाई 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन करता है, मात्र दुगुना का अंतर है जस्ट। बट एक और मजे की बात तुमको मैं बता दूं, आज का सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है केजीएफ के साथ, क्योंकि आज का भाई ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है और कुछ कुछ जगह भाई जयेश भाई के जो भी स्क्रीन्स थे अब भाई केजीएफ के पास भी आ रहा है, तो लाजमी से बात है केजीएफ के पास स्क्रीन्स आएगा तो थोड़ा भाई कलेक्शन में हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाला। तो ये चीजों से ना भाई बॉलीवुड को सीखना चाहिए, कभी बकचोदी में कम ध्यान दे आप लोग कंटेंट पर ज्यादा फोकस करें। स्टार के स्टार्टअप में जो ये लोग पैसे फेंकते हैं
प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि स्टार के स्टारडम के बजाय कंटेंट पे आप लोग पैसे फेंको, मींस स्टोरी पे पैसे बहाओ यार। अगर कोई बड़ा स्टार आपकी फिल्म में नहीं करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी के टाइम में अगर कंटेंट अच्छा है, कोई भी आप स्टार को लेकर फिल्में बना दो, फिल्में चलने वाली है, लिटरली फिल्में चलने वाली है। क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हो, इतने बड़े बड़े स्टार लोगों की फिल्में आई हैं, फिर भी वो फिल्में भाई आंधे मुंह गिर के चली गई है। क्या उनका स्टारडम तो बचा सकती थी ना उस फिल्म को यार, लेकिन नहीं बचा पाई है। रीजन यह है कि पब्लिक अभी के टाइम में भाई एकदम ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है। क्योंकि भाई जब भी ये OTT आया ना भाई, बहुत सारे लोगों ने भाई रीजनल फिल्मों को देखना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग पता चल रहा है भाई ये रीजनल इंडस्ट्रीज वाले क्या तुरमकान लेवल की फिल्में बना रहे हैं, हॉलीवुड फिल्मों को देखना स्टार्ट कर दिया, कोरियन सीरीज चल रही है, कोरियन फिल्में आके एकदम धड़ाधड़ इंडिया में बिजनेस करके जा रहे हैं। OTT की बात करो, ये सब फिल्मों ने काफी ज्यादा ऑडियंस का ना माइंडसेट चेंज कर दिया है। अब वो स्टार्डम वो तेल लेने चला गया, तो अभी के टाइम में ऑडियंस को कंटेंट मांगता है। तुम्हारा क्या कहना है इस पे, अपना ओपिनियन तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।